हाँ भाई रोक, ये रोक। हाँ भाई लाइसेंस दिखाओ। नहीं है। गाड़ी जब्त होगी फिर तो ये क्यों? अरे ये तो स्मोक करते हैं, बैडस बंदा है, जाने दो जाने दो। सो मिस्टर हर्ष, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, आई एम रियली सॉरी। मगर क्यों? अरे सर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है, मुझे किसी ने बताया नहीं सर स्मोक करते हैं, ये तो बैडस पर्सनैलिटी है। आज से सारे टेंडर आपकी कंपनी को जाएंगे सर। भाई प्रेशर नहीं आ रहा, एक सुट्टा दियो। थैंक यू भाई। अरे लाइटर तो दे दे। हमारे देश में ड्रग्स और नशे की बात तब ट्रेंड में आती है जब कोई फेमस सेलिब्रिटी का लड़का या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंसर के ऊपर ड्रग से रिलेटेड कोई एलिगेशन लगता है, तो तब लोग ट्रोल करने के लिए इस टॉपिक का यूज करते हैं। लेकिन ड्रग की दिक्कत आज हमारी कंट्री के लिए एक्चुअल में कितनी ज्यादा कंसर्निंग है। एक डेटा ये कहता है कि ड्रग यूजर्स का नंबर पिछले 8 सालों में 70% से बढ़ा है। ड्रग एक फैशन की तरह हो चुका है। इवन आज आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा, आपकी दोस्ती किसी से कितनी अच्छी है, ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और यहाँ लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से तो कोई ना कोई जरूर करता होगा। आपके दोस्त उनके साथ उनके रूम में बैठे थे और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि हेरोइन होती क्या है, कैसे सुना जरूर था पर कभी देखी नहीं थी किसी को। मैनेज कंटिन्यूज टू डिसरप्ट लाइव्स। गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स हैव प्रॉमिस्ड टू गेट अ ग्रिप ऑन द सिचुएशन बट ऑल दोस प्रॉमिसेस हैव फॉलन फ्लैट ओवर द ईयर्स सो फार। ही वाज जस्ट 31 व्हेन ही डाइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन प्रोबब्ली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ शेयर्ड नीडल। And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never, ever on drugs. एक टाइम था जब सोसाइटी में किसी भी तरीके के एडिक्शन को बहुत खराब माना जाता था, लेकिन आज ड्रग्स और नशे को चार लोगों में कूल बनने के लिए किया जाता है। ड्रग्स के बहुत ही खराब हेल्थ और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हैं ही, साथ ही में ये चीज किसी भी देश के यूथ को बिल्कुल खोखला कर देती है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 15 साल से ज्यादा एज के लगभग 27 करोड़ लोग इंडिया में टोबैको कंज्यूम करते हैं, और एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का टोबैको मार्केट साइज $30 बिलियन का है। और साल 2020 में इंडिया का अल्कोहल कंजम्पशन 4.86 बिलियन लीटर्स था, जो कि साल 2024 में 6.21 लीटर्स तक पहुंच गया है। वहीं 2028 तक इंडिया का अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री का साइज $64 बिलियन तक होने का अनुमान है। स्मोकिंग और अल्कोहल के यूज को लेकर नंबर्स पहले ही बहुत खतरनाक हैं, पर एक उससे भी बड़ा इशू है जब बात स्मोकिंग और अल्कोहल तक लिमिटेड ना रह के ड्रग एडिक्शन पे आ जाती है। अब जब ड्रग एडिक्शन की बात है तो यूजुअली हम उस चीज को वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ के देखते हैं। यहाँ की सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करती है और उनके यूथ को वो काफी हद तक खोखला कर चुकी है। अमेरिका की एक सिटी फिलाडेल्फिया की सड़कों की कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि ज़ाइलेज़ीन नाम के एक ड्रग की ओवरडोज के कारण वहां लोग ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगे। वैसे इसे ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। सड़कों पर जोर जोर से स्क्रीम करना, अजीब सी हरकतें करना, बॉडी पार्ट्स का स्टिफ हो जाना और घंटों घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रहना, ये कॉमन बिहेवियर था इस ड्रग को कंज्यूम करने वाले लोगों का। और इंडिया में भी जिस तेजी से ड्रग अब्यूज और एडिक्शन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में यहाँ भी हालत कुछ ऐसी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा शिकार होंगे यूथ, जो फैशन के नाम पर और कूल दिखने के नाम पर ड्रग्स और नशे को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम किस स्केल पे एग्जिस्ट करती है उसका आइडिया इन दो रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में लगभग 10 करोड़ सब्सटेंस एडिक्ट हैं, और जिसमें सिर्फ पिछले 8 सालों के अंदर ये नंबर 70% से इंक्रीज हुआ है। 10 करोड़ यानी कि अमेरिका की पॉपुलेशन का लगभग एक तिहाई। और 2023 की एक दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि 10 से 17 की एज ग्रुप वाले बच्चों के बीच ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि नेक्स्ट डेकेड तक एक्सप्लोड जैसी सिचुएशन कर देगा। यानी 10 से 17 की एज ग्रुप वाले बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट होंगे। अब जब भी इंडिया में ड्रग एडिक्शन की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान पंजाब की ओर जाता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पंजाब में मौजूद ड्रग एडिक्शन की ये प्रॉब्लम, जिसने ऑफ कोर्स वहां के यूथ को भी बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। लुधियाना को पंजाब का ड्रग कैपिटल कहा जाता है, और पिछले साल दिसंबर में एडिक्शन के नंबर पर बात करते हुए पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबर सिंह ने बताया था कि स्टेट में लगभग 8.74 लाख ड्रग एडिक्टेड लोग हैं। अब स्पेसिफिकली पंजाब में ड्रग एडिक्शन की दिक्कत इतना ज्यादा होने का रीजन है 1918 में हुए सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जिससे यहाँ इलीगल स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिनसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सभी चीजों पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई, बट आज अकेला पंजाब ही ड्रग एडिक्शन की इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा,
बल्कि इंडिया की मुंबई दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज के साथ छोटे छोटे टाउन्स में भी इस प्रॉब्लम ने अपने पैर पसार लिए हैं, जहां यूनिवर्सिटी और स्कूल स्टूडेंट्स ड्रग डीलर्स का मेन टारगेट बनते हैं। अब किसी भी बड़े कॉलेज के आसपास जाके देखना, कोई भी मेजर ड्रग आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोकेन यूज होती है, इसके बाद आते हैं दिल्ली, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और बिहार। साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे भी कुछ सेम पिक्चर है। कर्नाटका में ड्रग यूजर्स पिछले 5 साल के अंदर डबल हो चुके हैं, वहीं केरला में पिछले 6 साल के अंदर ड्रग अब्यूज केसेस 300% से बढ़े हैं, जिसमें मैक्सिमम टीनएजर्स थे। ड्रग एडिक्शन और इसमें इन्वॉल्व्ड एज ग्रुप को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और सेंटर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 2017 से लेकर 19 के बीच में एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें बताया गया कि इन स्टेट में 15 से 20 साल की एज में 65% लोगों ने ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था और 10% लोगों ने तो 14 साल की एज से पहले ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। और कोकेन और हेरोइन के साथ और भी बहुत तरीके के खतरनाक ड्रग्स इन स्टेट्स में कंज्यूम किए जा रहे हैं। अब 16 से 25 साल के यूथ में बढ़ रहे ड्रग यूज के वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, और द मिक्स नाम की यूथ चैरिटी की रिसर्च ने यह बताया कि आज की जनरेशन में ड्रग यूज इसलिए बढ़ रहा है कि वो अपने रियल लाइफ इश्यूज से दूर रहना चाहते हैं और वो ड्रग्स को अपना एस्केप बना लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर ड्रग्स खरीदने के लिए कोई लीगल या सर्टिफाइड प्लेस नहीं है, बट उसके बाद भी ड्रग की अवेलेबिलिटी हर जगह पर है, हर कोने पे मिल जाएगी। इंडिया के अंदर अगर ड्रग्स की बात की जाए तो यहाँ पे या तो प्लांट या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से ही ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बाकी के जो ड्रग्स हैं वो स्मगलिंग के थ्रू इंडिया में लाए जाते हैं और इसका भी मल्टी बिलियन डॉलर्स का रैकेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंडिया में ड्रग्स बाय पोर्ट, बॉर्डर एरियाज, डिजिटल टूल्स और डार्क वेब के थ्रू एंटर करते हैं, और बहुत से केसेस में तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अभी फरवरी में ही एनसीबी ने 3300 किलो इलीगल नारकोटिक्स को सीज किया था। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और एक मैसिव लैंड एरिया बॉर्डर को क्रॉस करके ये ड्रग्स देश में आते हैं और फिर एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड रैकेट के थ्रू इन्हें देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और यंग, एजुकेटेड और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग इन ड्रग डीलर्स का मेन टारगेट बन रहे हैं। और जब किसी देश के लोग, स्पेशली यूथ, ड्रग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सोशल लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन पर सब पे एक साथ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्क्रीन पर दिख रही इस रिपोर्ट के हिसाब से ड्रग्स और दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस का कंजम्पशन मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक मेजर रीजन है। इसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स तो हो ही सकती हैं, वहीं निकोटीन जैसी सब्सटेंस की आदत अगर एक बार लग गई तो इसके एब्सेंस में मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का हाई हो जाना बहुत कॉमन है। हर्बल है ब्रो, घास फूस है, नेचुरल है यार। है तो नशा ही भाई, से दिमाग खुलता है। और तेरे को पता है गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों कर रखा है? कहीं लोग गवर्नमेंट से आगे ना निकल जाए, नहीं तो बाहर तो सब चलता है। यहाँ पे I-20 आती है, बाहर I-40 तक आती है। केपी को ही देख ले। कौन केपी? यहाँ पे कुरनाल पांड्या, बाहर केविन पीटरसन, कितना आगे है वो लोग। और मेरी क्रिएटिविटी तो इससे ही आती है, मैं रैप लिखता हूँ इससे ही लिखता हूँ भाई। तूने क्या लिखा? मैंने लिखा ना, मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, अब तुमसे क्या छुपाना माँ। अरे मैंने लिखा भाई, डिवाइन ने तो चुराया यार, कोई मानने को तैयार नहीं। कोई भी इंडिविजुअल नशे पत्ते से हुए साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को इग्नोर कर सकता है, लेकिन हेल्थ पे पड़े फर्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो आपकी बॉडी और चेहरे पे खुद ही दिखने लगेगा। इसका सबसे खतरनाक इम्पैक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, जिसमें कि हमारा ब्रेन भी आता है। कोकेन और ओपियोइड यानी अफीम जैसे ड्रग्स डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए बॉडी में अलग अलग पार्ट तक ब्रेन का मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट बताती है कि न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल का इंक्रीज या डिक्रीज होना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। वहीं NIDA ने यह बताया कि कोकेन हमारे ब्रेन फंक्शन को चेंज करता है, जिससे कि पैरानोया और स्ट्रोक भी हो सकता है। और NIAAA के अकॉर्डिंग अल्कोहल और निकोटीन, जो कि सिगरेट का मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसका असर भी हमारे ब्रेन फंक्शंस पर ड्रग की तरह ही होता है। और लंबे समय तक इनका कंजम्पशन हमारे सोचने, समझने की और फैसला लेने की एबिलिटी पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। निकोटीन हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है, जो कुछ समय के लिए बॉडी और ब्रेन को हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन की एक फेक फीलिंग देता है। इसीलिए अगर किसी इंसान को निकोटीन का बहुत ज्यादा एडिक्शन लग जाता है तो वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, और जो कि उसकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। और अब जो लोग स्मोकिंग और ड्रग्स दोनों एक साथ करते हैं, उनमें नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस 30-40% ज्यादा होते हैं। किडनी बेच के आईफोन खरीदने के फनी जोक्स जो हम इंटरनेट पे क्रैक करते हैं,
ये उस किडनी को भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और आज की यंग जनरेशन में हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं कि यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने लगे हैं। इसका भी सबसे बड़ा रीज़न है ड्रग और एल्कोहल कंजम्पशन। और वो बॉडी पार्ट जिस पर ड्रग और एल्कोहल जैसी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो है लिवर। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लिवर डिजीज का सबसे बड़ा रीज़न एल्कोहल ही है। एल्कोहल के कंजम्पशन से टोटल 200 तरीके की डिजीज होती हैं, जिसमें 7 तरीके के कैंसर्स भी इंक्लूडेड हैं। परमानेंटली लिवर डैमेज हो जाता है और दुनिया के 50% साइरोसिस केसेस का कारण है एल्कोहल। आजकल के कॉलेज और स्कूल में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमन है, और अगर प्रैक्टिकलों के बात की जाए इन्हें हमेशा अवॉइड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है कि सोशलाइजिंग करने के लिए आपको ये काम करने आने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सेल्फ कंट्रोल की। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी इनके नुकसान या डिमेरिट्स नहीं पता। हर एक इंसान जो निकोटीन और अल्कोहल कंज्यूम करता है वो ये सब बातें ऑलरेडी जानता है कि उसकी हेल्थ पे ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, उसे फाइनेंशियली वीक करेगा, सोशली उसकी इमेज को हर्ट करेगा, बट उसके बाद भी वो नहीं रुक पाता। और धीरे धीरे चलते चलते एक्सप्लोर करते करते हमारा यूथ आज निकोटीन और अल्कोहल से हट के ड्रग्स पे शिफ्ट हो चुका है। पिछले कुछ समय में यूथ के बीच में इसकी क्यूरियोसिटी और कंजम्पशन दोनों ही बहुत तेजी से बढ़े हैं, बट इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की ये रिपोर्ट साफ कहती है कि कैसे हेरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही में बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। ये अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर बना देती है। अब हेरोइन जैसे जो डेंजरस और हाईली एडिक्टिव ड्रग हैं, इन्हें पेन किलर या फिर डिप्रेसेंट के रूप में कंज्यूम किया जाता है। एक्चुअल में ये एक डिप्रेसेंट ड्रग ही होता है जो इंसान की ब्रेन फंक्शनिंग को स्लो कर देता है और हमारे फिजिकल पेन को कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और इन्हीं ड्रग्स की ओवरडोज बहुत सारे लोगों की जान लेने का भी काम करती है। मेन रीजन होता है कि ड्रग कंजम्पशन के बाद ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, ये बॉडी पार्ट्स को भी स्लो कर देता है, साथ ही साथ हर्ट्स और लंग्स की एफिशिएंसी पे भी एक इम्पैक्ट डालता है। तो ये बॉडी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अब ये ड्रग कंजम्पशन किसी को भी सोशली, मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से खोखला बना देती है। और इवन अब तो ये चीज 24-25 साल के लोगों से हटके 14-15 साल के लोगों के बीच में भी कॉमन होती जा रही है, क्योंकि उन लोगों के बीच में ज्यादा क्यूरियोसिटी है ये सब ट्राई करने की। अगर एक बार इस एज में इस लूप में फंस गए तो एकेडमिक लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और स्टूडेंट लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपका और आपकी फैमिली का फ्यूचर पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। नशा कोई फ्लैक्स या फिर ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं है। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा व्लॉग चैनल और लाइव चैनल जाके चेकआउट करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।